चिकना गया है साले। नेतागिरी का काम बड़ा घटिया है, हाथ जोड़ के घूमत रहो। इससे बढ़िया रंगबाजी वाला है। रंगबाजी पिस्तौल दिखाओ, माल ले लो। आ गए ला लोग। काली जी कैसा रहा सब? अरे बढ़िया नेताजी देखा। का हो दामाद बाबू, कैसा रहा इलेक्शन? टेंशन में है दीदी? टेंशन में नहीं रहेंगे, आपके इस तरह घर में बैठे रहने से चुनाव जीत जाएंगे। काम तो क्या करें, बाजार में जाके नाचे आपको जिताने के लिए? नाचने को नहीं बोल रहे, अपने वार्ड का चक्कर लगा कर आ रहे हैं। वहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष जायसवाल और उसके आदमियों ने हमसे नजरें तक नहीं मिलाई, क्योंकि वो अभी तक मानते हैं कि उसके बेटों का किडनैप हम सब ने किया है। और वो छोटा छोटा दुकानदार वो सब अलग ही डफली बजा रहा है। जब से विजयकांत ने भोला पान वाले के चलते अपने आदमी सबको मारा है, तब से वो सब उसी की माला जप रहे हैं। सासू माँ, आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया, किसी गत का नहीं छोड़ा आपने मुझे। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा मेरे लिए, तो बस सीधे गंगा जी में जाकर कूदना पड़ेगा मुझे। बस बस बस, बहुत हो गया तमाशा, बंद हो गया। माथा से सटाइए और घोड़ा दबाइए, सीधा सुल्तान पहुंच जाइए। भाई एकदम ठीक कह रही है, गंगा जी जाने में कोनो फायदा नहीं। काहे कि गंगा जी में इतना कम पानी बचा है कि आप जैसा पापी तो उतना भी डूब भी नहीं सकता। डर लग रहा है आपको घोड़ा दबाने में? डर लग रहा है तो लाइए, हम दबा देते हैं। दीजिए दीदी, अगर इतना ही ख्याल रहता ना आपको अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का, तो ससुराल में बैठ के फोकट का रोटी नहीं तोड़ते रहते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, हमको आपका तनिको फिकर नहीं है। हम तो खाली दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आपको खड़ा किए हैं, और दुश्मन का कैंडिडेट ना जीते इसके लिए आपका इतना ख्याल कर रहे हैं हम, समझ गए आप? आपको चुनाव हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतने भर से वास्ता है हमको, गंगा जी में डूबेंगे जाके, गंगा जी में। बैठ बैठ। मतलब बात ठीक है कह रहे हैं। कहा? यही कि मतलब वो बाजार समिति वाला सब है व्यापारी संघ का, वो लोग इनको वोट देने के फेवर में नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर तो बोल रहा है कि इन्हीं को देखा, लेकिन अंदर अंदर हवा जो है कुछ और है। तो जो और जाके कह दे सबसे कि अगर चुनाव में केडी के जीत ना भाई ना, सबके जिंदगी नर्क बना, समझ गईला? नर्क बना दे। श्री जगदीश जी की आरती जब कोई नर गावे, कहे स्वामी शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। माजी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। वो तो बढ़ ले वाह। प्रसादी खा। आप जानती माँ जी, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई, पता नहीं इस चुनाव से मेरे भविष्य का दरवाजा खुलेगा या नहीं। अरे खुली, जरूर खुली। यह बात ले तो ठाकुर जी के सामने हम प्रार्थना करत रही। अजाना तारू ठाकुर जी का कहलन? क्या कहा भगवान जी ने? कि तू सिर्फ ये इलेक्शन ना जीतू, बाकी जिंदगी के सब इलेक्शन तू जीतता। सच माँ जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ दुल्हीन। अरे ठाकुर जी तो अपने मुंह से ही बात कहलन। ये तो कमाल हो गया माँ जी, कल रात मैंने भी सपने में यही देखा कि मैं चुनाव जीत चुकी हूँ। एकर मतलब बा कि हमर पुतो ही चुनाव जरूर जीती, तब भी नू दोनों सास पुतो एक के बाद दिखला। दुल्हन, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी सपना जरूर साँच हो, हमरा तो यह बुझाता। जैसा बेटिया। हाँ जी। चलो अब हमको निकलना चाहिए, पोलिंग शुरू होने का टाइम हो गया है। बाबा
विजय भैया नजर नहीं आ रहे। तुमको नहीं पता? नहीं। वो रात भर से नहीं सोए। काहे? इलेक्शन का सब चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयारी करना पड़ता है ना भाभी, उसी में लगा हुआ था बेचारा। आ फिर भोर में 5 बजे से निकल गया घर से। बाप रे इतना भोरे भोर। अगर दुल्हन को जताना है ना, चलो अब उसे वहीं बैठो, निकलो यहाँ से। आप वहाँ रहेंगी तो हम जरूर जीत जाएंगे। वो कहे कि आपके वहाँ रहने भर से सबको हमको वोट दे देगा। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, हम और कुसुम थोड़ा देरी में आ जाएंगे। अरे जीप तैयार है, चलिए। भौजी बदरिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं रहेगा, उसके लिए कोनो काम हो ना तो बता दीजिएगा। हाँ चलते हैं, चलिए ना जल्दी, तब बाकी काम बाद में बात। हाँ दीदी। पुत्र। हाँ दीदी। शाम दाम दंड भेद कैसे भी हो, जीत दामाद बाबू के ही होके के चाहिए। आज लाल बत्ती लगा दे माथा पे, चलो हम जाता। अरे आइए चाचा, नमस्कार, आइए आइए, पर्ची तैयार है आपका, केडी भैया खड़े हैं, पार्टी चुनाव चिन्ह, आइए। अरे चाचा का पर्ची बनाओ जल्दी से, आइए, बाल्टी है चुनाव चिन्ह, उसी में डालिएगा। एक मिनट। अरे आओ आओ आओ, कहाँ रहा तू, चल चल चल, पर्ची दे रहा था यार, चलो। भैया जी आप किसको वोट देंगे? अरे भैया हम तो निशा जी को ही वोट देंगे, क्या पता महाराजगंज को बंबई बना दे। अरे ये बात तो बिल्कुल पते ही गई आपने। हम भी निशा जी को ही वोट देंगे क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं और वो ही हमारा विकास करा सकेंगे। ये बात भी सही। चलिए आइए, चलिए। अरे सब ठीक है ना? रोक गाड़ी रोक। ले 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 उठाओ गंगा जल, चलो आओ, चल रहा है ना वोट, धक्का धक चल रहा है ना, सब ठीक ठाक। केडी को जिता रहे हो ना? किसको वोट दे रहे हो? अरे भैया जी कोई पूछने की बात है, अपने केडी भैया। अच्छा तुम किसको दे रहे हो? अरे भैया जी केडी बाबू है ना, उन्हीं को वोट देंगे। तुम जी? सब ये कोई पूछने वाली बात है, अपने केडी बाबू है उन्हीं को देंगे। अच्छा कौन हवाई जहाज वाला कौन है यहाँ पे? कौन है जी हवाई जहाज वाला? कोई नहीं है, सब हवाई जहाज पे भरोसा मत करना, बम्बई से आया है, बम्बई उड़ जाएगा। बाल्टी छाप, एक काम करो, जब इतना भरोसा है लेकिन गंगा जल और तुलसी लाए हैं, सबको छू के क्रिया खाना होगा कि बाल्टी को देना है, ठीक है? दे गंगा जल, गंगा जल दे। ले क्रिया खाना है, क्रिया किसको? केडी बाल्टी को। हाँ चलो जी गंगा जल तुलसी है, क्रिया सबंध खाओ। अरे इसको तो ए उधर जाओ, एक लेडीज लोग के लाइन में जाओ, लेडीज लोग को तो चलो। हाँ आप लोग भी लेते जाइए, गंगा जल है, तुलसी है, खटकना नहीं है बाल्टी छाप से, बाल्टी छाप गंगा जल तुलसी है, लाओ लाओ इनको तो। बता दें घुस जाएगा भीतर, तुलसी जल लो, लो जल्दी। हाँ चलिए आर सिपाही जी वहां से लाइन आगे बढ़वाइए, भेजिए एक एक करके। बाबा हम किशन पेठिया से बोल रहे हैं, जानते हैं पुत्रवा का कर रहा है यहाँ? वो सबको तुलसी गंगा जल छुआ के केड़ी को वोट देने का क्रिया। अरे बाप रे बाप,
हे भगवान, क्या हुआ बद्री भैया? हम मत पूछो भैया, आपका मत पूछो क्या हुआ। अरे सुबहिया से बहुत पेट पीरा रहा है भाई। भैया तो अंदर जाके आराम कहाँ नहीं करते हैं? अरे आराम कौन करे भैया, नौकर चाकर की जिंदगी में कौन आराम लिखा है का? हाँ भैया ये बात तो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब अपना जिंदगी कौन वैल्यू है, अब बताइए हमार औरत आज अस्पताल में पड़ी, उसको बच्चा होने वाला है, आज के दिन भी छुट्टी नहीं, कैसे छुट्टी होगा? इलेक्शन के टाइम पे कोई यहाँ पे नहीं। अरे सुना लो, हम बाहर जा रही हैं और सारे गनमैन भी इलेक्शन में गए हुए हैं, घर का अच्छा तरह से ख्याल रखना। वैसे तो हम ताला लगा दिए हैं, फिर भी आँख कान खोल के ध्यान रखना ही। आप चाहे दर्जन भर ताला काहे नहीं मार दीजिए, बाकी आपके घर के सब ताला का चाबी हमारे पास आई है। का सोच नहीं लगा रहे बदरिया? देखना माल मवेशी को चारा खिलाना मत भूलना, न तो तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भरला देह में दर्द उठ जाएगा। देखा भैया मलकिन का बोल के गई है? कि गोरु सबका ध्यान रखना, मवेशी का ध्यान रखना। चलो हम दोनों आदमी यहाँ पे है, खाने पीने का कोई चिंता नहीं। अरे हमारे मेहरारू अस्पताल में अब तक बच्चा जन चुकी होगी, भगवान जाने लड़का हुआ होगा कि लड़की हुआ होगा। तो एक काम करो भैया, तुम चिंता मत करो, तुम एक घंटे के लिए निकल जाओ। अरे कैसे चले जाए, हमारी ड्यूटी यहाँ कौन बजा देगा? अरे काहे चिंता कर रहे हो, बदरी है ना है? हम बजाएंगे ना। अरे भैया एक गरीब आदमी दूसरे गरीब की मदद नहीं आएगा तो कौन आएगा? दो बंदूकिया दो, तुम निकल। मालकिन को पता चल गया तो? दिए मालकिन को कैसे पता लगेगा, तुम जाके बताएगा उनको, नहीं ना कि हम बताएंगे ना, तो तुम्हारा मेहरारू बताएगा जाके। आप भी तका चिंता, जब जब हम है ना। आप बहुत बढ़िया आदमी है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे। अच्छा भैया राम राम, हम जल्दी आते हैं वापस, बस देख के तुरंत आते हैं। अच्छा अच्छा भैया, हम तो अच्छा आदमी है ये, भगवानों बहुत कृपा दृष्टि बना रहा है, अब होगा सही काम। घर का मालिक है हमारी, मालकिन हमारी। बद्री बाबू आज तो घर का राजा हुआ, राजा घर का सब चाबी तेरे पास हमारी मुट्ठी में, आज केहू ना है घर में और न केहू हमके रोकी न केहू हमके। हर किस्मत रनविंदा समझ रहे हमारी बात? अरे बाप रे बाप, स्वर्गीय पप्पन लाल, अरे हम मरा आदमी का डरा थे। लगता है कि भगवान हमारा दर्द समझ गए। केडी का पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते तो हम को रोकेगा कौन है? हम रोकेंगे और कौन? जो
तुम जहाज पर बैठ के आए हो ना, उसी में लाश भर के भेजवा देंगे। चले जाओ यहाँ से। यहाँ से वापस जिंदा जाने का विचार है या नहीं? आपको क्या लगता है, ये मंडली बच के जाएगी? आज बचने का बात कर रहा है, उस दिन छिप के भाग गया था। ए, काहे तेरी दीदी, जा तेरी दीदी के आंचल में छिप के बैठ जा। ए, पीछे कौन?